माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स इवन दोज ऑब्जेक्ट्स लुक बिग दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. नेकेड आई यानी कि माइक्रोस्कोप सी द पिक्चर ऐसा दिखता है. सो ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अपनी आई से नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो उनको हम अपनी आई से नहीं देख पाते, उनको हमें बड़ा देखने में, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दें लेंस के ऊपर और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, हमें वो ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखाई देगा. इट सो हैपेंड दैट बाय चांस एन ओनर ऑफ एन ऑप्टिकल शॉप इन हॉलैंड लुक्ड एट अ फ्लाई थ्रू टू लेंसेज प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर. यानी कि क्या हुआ, एक दिन एक ओनर था, बाय चांस एक ओनर जो है ऑप्टिकल शॉप यानी कि जो स्पेक्टिकल्स के शॉप पे, जैसे जो चश्मे जिनको लगते हैं उस हॉलैंड में, वहाँ पर वो कुछ कर रहे थे. उन्होंने क्या किया, एक फ्लाई को देखा, किसके थ्रू, दो लेंसेज के थ्रू, टू लेंसेज जो है उस फ्लाई के आगे, अपनी आईज के आगे लगाए और उस फ्लाई को देखा. तो क्या देखा कि जो साइज़ है उस फ्लाई का वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक गोट का हो, मतलब एक छोटी सी फ्लाई का भी साइज़ जो है इतना गोट जितना, फुल ग्रोन गोट जितना दिखाई दे रहा था. दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. इसकी वजह से क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुई एक टॉय की जिसको हम फ्ली ग्लास भी बोलते हैं. दिस इज़ हाउ अ फ्ली ग्लास दैट कुड मैग्नीफाई थिंग वॉज इन्वेंटेड. ऐसे ही क्या हुआ, एक फ्ली ग्लास जो है इन्वेंट किया गया जो मैग्नीफाइंग, मतलब जो चीज़ों को बड़ा दिखाता है, ऐसा कुछ देखने को मिला और उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंट हुआ. एंड दैट इज़ ओनली बाय अ चांस हमने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया, फ्ली ग्लास इन्वेंट कर दिया. गैलीलियो केम टू नो अबाउट हिज इंटरेस्टिंग इन्वेंशन एंड इम्प्रूव्ड अपॉन इट. यानी कि गैलीलियो को क्या, गैलीलियो कौन, एक साइंटिस्ट है, उसको इस फ्ली ग्लास के बारे में पता चला और उन्होंने उसे इम्प्रूव किया. ही कुड नाउ नॉट ओनली सी एनलार्ज्ड इंसेक्ट बट ऑल्सो द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स लाइक द हेयर ऑन देयर बॉडी. अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ इंसेक्ट को ही नहीं देख सकते थे, बड़ा जो इंसेक्ट बड़ा दिख रहा है, बल्कि जो उसका छोटा सा हेयर भी था, अगर कि उनकी बॉडी पर कोई हेयर भी है, वो भी देख पा रहे थे उस फ्ली ग्लास से. दिस इज़ हाउ वी गॉट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप. यानी कि ऐसे हमें उन्होंने क्या बनाया, एक फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट कुड आइडेंटिफाई जर्म्स दैट कॉज डिजीजेज. यानी कि साइंटिस्ट जो क्या करने लगे, उन्होंने ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो जर्म्स भी आइडेंटिफाई कर पाते थे और जो डिजीज़ हुई है उसका, कि कौन सा जर्म है उससे कौन सी डिजीज़ होती है, ये पता लगने लग गया. देन दे कुड गो अ स्टेप फर्दर टू फाइंड द क्योर्स ऑफ दोज डिजीज. यानी कि अब क्या किया, अब जब डिजीज़ पता लग गई, जर्म पता लग गया कि कौन से उससे, कौन से जर्म से कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो अब वो उसका क्योर, कि क्या है, इसको बचा कैसे सकते हैं, इस डिजीज़ से अपने आप कैसे बचा सकते हैं. अब टुडे माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू एग्जामिन ब्लड. अब क्या है, माइक्रोस्कोप जो है ब्लड को एग्जामिन करने में, यूरिन को, स्टूल को और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी एग्जामिन करने में हेल्प करता है. दिस हेल्प्स देम टू फाइंड आउट द डिजीज़ द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम. ये हमें हेल्प करता है ढूंढने में कि जो पेशेंट है वो कौन सी डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसको कौन सी प्रॉब्लम है. नाउ सम मोर मशीन्स, सम मोर इन्वेंशन टुक प्लेस एंड डॉक्टर नाउ यूज देम टू नो अबाउट द डिजीज एंड डिसऑर्डर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. कुछ और इन्वेंशन हुई और जो डॉक्टर जो है यूज़ करते हैं जानने के लिए उस डिज़ीज़ के बारे में, या फिर वो जो डिसऑर्डर है ह्यूमन बॉडी में, जो कमी है वो जानने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीएटी स्कैन एंड एमआरआई मशीन्स. ये सारी मशीन्स हैं जो कि डॉक्टर को हेल्प करती हैं टू फाइंड अबाउट ट्यूमर्स. ट्यूमर्स क्या, एक तरह की ब्रेन की बीमारी है, डिजीज़ है.
ब्लॉकेज है अगर किसी की बॉडी में कहीं पर, या फिर कोई भी अबनॉर्मेलिटी है ऑर्गन्स के अंदर, वो ये सब मशीन्स हेल्प करती है एग्जामिन करने में. दिस इज़ हाउ सर्जन्स आर हेल्प टू परफॉर्म ऑपरेशन विद प्रिसीजन. यानी कि ये जो है सर्जन्स को हेल्प करती है ये सारी चीज़ें कि वो ऑपरेशन जो है अपना ठीक से परफॉर्म कर सके. द ECG मशीन हेल्प्स टू रिकॉर्ड द वर्किंग ऑफ द हार्ट. जो ECG मशीन है वो हार्ट की वर्किंग को चेक करने में काम आती है. अनदर मशीन दैट हैज़ बीन डेवलप्ड रिसेंटली, जो दूसरी मशीन जो कि रिसेंटली डेवलप की हुई है वो कौन सी है, हार्ट लंग मशीन, जो कि हार्ट और लंग की फंक्शनिंग को चेक करती है. दिस मशीन टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लंग एंड लंग इन अ बॉडी. द सेम थिंग आई टोल्ड यू, व्हेन दीज ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, जब ये ऑर्गन्स जो है हार्ट एंड लंग अपना ठीक से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, तो हार्ट एंड लंग मशीन जो है यूज़ की जाती है. नाउ सर्जरी एंड ट्रांसप्लांट फॉर सम डिजीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. कुछ डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जो बॉडी है उसको कट किया जाता है एंड ओपन किया जाता है टू क्योर द एलिमेंट, यानी कि उसको क्योर करने के लिए, विच इज़ नोन एज सर्जरी, जिसको हम ऑपरेशन भी बोलते हैं. द डॉक्टर हु इज़ क्वालिफाइड टू डू इट, इट इज़ कॉल्ड अ सर्जन. जो डॉक्टर जो है क्वालिफाइड होता है इसको करने के लिए, सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम सर्जन बोलते हैं. सर्जरी हेल्प्स पीपल टू लिव लॉन्गर, जो सर्जरी है वो हेल्प करती है लोगों को ज़्यादा जीने में. इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में जो डैमेज्ड ऑर्गन्स है उनको रिप्लेस किया जाता है, एज इन किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी को भी रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको हम ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट. टू गिव लॉन्गेविटी टू अ पर्सन हुज किडनीज हैव फेल्ड. नाउ किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी को एक्सचेंज कर देना किसी और की किडनी से, सो दैट जो पर्सन है जिसकी किडनी जो है फेल हो गई है वो ज़्यादा जी सके.